हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली वुड फ्लूटेड वॉल्स के बारे में बात करेंगे, मार्बल फ्लूटेड वॉल्स के बारे में बात करेंगे। इस बिकॉज आजकल ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और इसके क्या प्रोज है, क्या कॉन्स, जैसे कैसे अप्लाई करते हैं, इसके क्या प्राइस रेंज है और ये क्या पैटर्न ऑन कलर्स में अवेलेबल है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डाइव इन टू द वीडियो। सो इसे लूअर्स भी कहते हैं, WPC पैनल्स भी कहते हैं, PVC पैनल्स भी कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज हाउ द पैनल लुक्स लाइक। और ये फ्लूटेड पैनल काफ़ी सारे कलर्स और टेक्सचर्स में भी अवेलेबल होता है आपको। इसमें पेस्टल कलर्स हो गए, डार्क शेड्स हो गए, सारे भी शेड्स मिलेंगे। ऑल्सो इसके अंदर मेटालिक प्रिंट्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आने लग गए, तो उसे चारकोल पैनल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप मार्केट में जाएंगे और उन्हें चारकोल पैनल्स कहेंगे तो दे विल शो यू दीज पैनल्स ओनली। सो इसके अंदर मार्बल फिनिश के भी आते हैं जिसके अंदर रफ टेक्सचर भी आता है और स्मूथ टेक्सचर भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू आपके डिज़ाइन में जो भी फीजिबल है आप वहाँ पे जाके चेक करके ले सकते हैं। इसके अंदर मेटालिक वालों में ये बीच बीच के जो ग्रूव्स है वहाँ पे मेटालिक फिनिश होता है, तो उसके अंदर आपको रोज गोल्ड, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन यू गेट एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल। तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। PVC मटेरियल होने के वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। आपको सिर्फ इसे अप्लाई करने के लिए पीछे एक पार्टीशन या फिर एक वॉल की ज़रूरत होगी। विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन आप इसे स्टिक कर सकते हैं। तो इसका बैक कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर सिर्फ सिलिकॉन अप्लाई करके आपको वॉल पे स्टिक करना। इफ़ आपकी पीछे की वॉल स्ट्रेट नहीं है तो प्लीज़ पहले उसे स्ट्रेट कर दे एक 6 mm प्लाई यूज़ करके, एंड देन मेक श्योर आप ये पैनल लगाए, बिकॉज ये पैनल एक के ऊपर एक चढ़ता है। तो अगर आपकी वॉल अनइवन होगी तो आपका जो कंप्लीट लुक और फिनिश आएगा वो अनइवन सा आएगा, आगे पीछे होगा, तो उसे देखने में इतनी मज़ा नहीं आएगी आपको। सो माइट एज वेल आई वुड रिकमेंड कि पहले उसे इवन कर दे और फिर ही अप्लाई करें, देन इट विल गिव अ वेरी फैबुलस लुक एंड यू विल बी सो सैटिस्फाइड विद द फाइनल लुक एंड फील। So this is something that one needs to take. If इसकी price range की बात करें तो ये around 850 रुपीज से start होते हैं and it goes up to 1400-1500 per panel, जैसा आपने design select किया है। तो जो standard basic वाले हैं, जो colored वाले हैं, वो आपको 750-800 से start मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप metallics वाले देखें तो वो थोड़े और expensive आ जाएंगे। Marble ones you will get around 850-900 रुपीज। So I have a sample of marble one with me and so this is the sample of marble ones। तो अगर आपको कोई वॉल बनानी है जिसमें आपको टाइल या फिर मार्बल यूज नहीं करना है बट आपको उसका लुक एंड फील देना है, यू कैन डेफिनेटली गो विथ दीज वंस, बिकॉज इसके अंदर ग्रूव्स भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर ऐड करेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पीछे बेस के ऊपर इसे डायरेक्टली एक के ऊपर एक स्टिक कर दे। और ये वाला जो है ये है मेटालिक वन, सो ये बेसिकली रफ फिनिश में है थोड़ा सा। If you want, I'll also add a image or a video of हमने जहाँ पे ये सेम पैनल यूज़ किया है, बट हमने इसे मार्बल प्रिंट में यूज़ किया है और स्मूथ टेक्सचर में यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि लगने के बाद ये कितना ज़्यादा रॉयल और कितना ज़्यादा अच्छा लुक देता है। सो दिस इज समथिंग विच गोज़ ऑन अ हायर साइड। इसकी प्राइस रेंज कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ये आपको शायद 1100-1200 का मिलेगा। ये वाला जो पर्टिकुलर है, ये वाली पैटर्न के अंदर आपको 1000 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। और ये जो प्लेन वंस है ये आपको 750-850 के रेंज में मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी यूज़ करना है, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो साइज़ है वो 8 feet by 4 inch। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप इसे परचेज कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, ये छोटा वाला जो पार्ट है वो आपका कंपेरेटिवली विथ में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इस बिकॉज आप जब अप्लाई कर रहे हो पीछे सिलिकॉन तो यहाँ पे आप उसे नेल्स भी मार सकते हैं, स्क्रूज भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई छोटा सा विथ वाला पैटर्न यूज़ किया तो आप उसे सिर्फ सिलिकॉन लगा पाएंगे और आप साइड पर नेल्स वगैरह नहीं मार पाएंगे, तो उसकी स्टर्डीनेस कंपेरेटिवली थोड़ी कम रहेगी। सो मेक श्योर कि आप इसकी जो ये साइड की स्पेस है जो अंदर कवर होने वाली है उसकी विथ थोड़ी ज़्यादा हो। अगर आपको वैसा कुछ मिल रहा हो और वैसा कुछ पसंद आ रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसे सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल एप्लीकेशन वाइज और लॉन्ग लास्टिंग वाइज। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच आई सी वाइल परचेजिंग दीज पैटर्न्स। सो मेक श्योर आप भी इसका ध्यान रखें। सो ये बेसिकली आपको कोई भी लैमिनेट के शॉप में मिल जाएगी और आजकल ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो आप अगर किसी को भी पूछेंगे तो दे विल शो यू। तो मैं जहाँ से परचेज करती हूँ मैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे रख दूंगी ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली उनसे क्या रेट्स है वगैरह पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी।
सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट रिव्यू करवाना चाहते हो तो आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एंड रिव्यू अ प्रोडक्ट फॉर यू ऑल. सो प्लीज कॉमेंट डाउन, एंड अगर आपने अब तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.